हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कढ़ी पकौड़े को अक्सर लोग लाइक करते हैं। कढ़ी पकौड़े को चावल रोटी के साथ सभी लोग खाना लाइक करते हैं। तो चलिए फिर हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जहाँ पर सबसे पहले एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया, डेढ़ चम्मच मैंने लहसुन की पेस्ट बना ली, डेढ़ चम्मच ही मैंने अदरक की पेस्ट बनाई हुई है। तो दो मैंने हरी मिर्ची को काट कर रखा हुआ है, एक चम्मच मैं जीरा लिया हुआ मैंने, एक चम्मच ही मैंने मेथे लिए हुए हैं, चार चम्मच मैंने बेसन लिया, तो एक चम्मच के करीब ही मैंने कसूरी मेथी ली हुई है, तो डेढ़ कटोरी मैंने जहाँ पर दही लिया हुआ है। अब हम सबसे पहले दही के बीच में जो मैंने बेसन लिया है उसको डालती हूँ और अब मिक्स करती हूँ। इसको अच्छी तरह हमें मिक्स करना है ताकि जो इसके बीच में कोई वो गिल्टी सी जो रह जाती है बन जाती है वो ना रह जाए। हमें इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। तो अब मैं इसके बीच आधी कटोरी पानी डाल देती हूँ और फिर से इसे मिक्स करती हूँ। अब मेरा मैंने ऐसे मिक्स कर लिया। तो अब मैंने कुकर को गैस पर रख दिया और गैस नीचे से ऑन कर दी। अब मैं तीन चम्मच के करीब इसके बीच ऑयल डालूंगी। ऑयल को हम अच्छी तरह गर्म कर लेते हैं पहले। तो अब मैं ऑयल को चेक कर लेती हूँ, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो जहाँ पर मैं इसके बीच में मेथी डाल रही हूँ तो अब हमारे मेथे जो है वो चटकने लगे हैं। अब हम इसके बीच में जीरा डाल देंगे, वो मैंने डाल दिया जीरा। और अब हमारा जीरा भी थोड़ा बीच में पक चुका है तो मैं अब इसके बीच में कसूरी मेथी डाल रही हूँ। अब मैं इसके बीच डेढ़ टीस्पून के करीब हल्दी डाल रही हूँ। एक चम्मच मैं देगी मिर्च डाल रही हूँ इसके बीच। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हल्दी और देगी मिर्च जो मैंने पहले डाली हुई है उसका रीज़न ये है कि अगर हम प्याज और लहसुन से पहले डालते हैं जो हल्दी और देगी मिर्च तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो अब मैं इसके बीच पहले डालती हूँ लहसुन की जो मैंने पेस्ट बनाई हुई थी। डाल दिए प्याज को काट कर रखा हुआ है। तो अब आधे मिनट के लिए मैंने प्याज को ऐसे पका लिया। अब इसके बीच में मैं जो लहसुन अदरक की पेस्ट रखी हुई है बनाकर वो भी डाल देती हूँ। तो अब अदरक भी थोड़ा सा इसके बीच में हो गया। अब मैं डालती हूँ इसके बीच हरी मिर्च। ऊपर से मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, एक दो चम्मच के करीब। अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। तो जहाँ पर मैंने तीन चम्मच नमक भी डाल लिया, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मेरा
तड़का बन के तैयार है। मैंने एक डेढ़ मिनट के लिए इसे ऐसे लाते हुए भून लिया। तो अब देख सकते हैं तड़का बन चुका है। अब मैं इसके बीच डेढ़ लीटर पानी डाल रही हूँ। डेढ़ लीटर पानी डाल दिया मैंने इसके बीच में। आप जैसी भी कढ़ी रखना चाहते हैं, जितनी भी पतली बनाना चाहते हैं, उतना पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैं डेढ़ लीटर डाल रही हूँ क्योंकि हमें कढ़ी पतली ही रखनी है। जितनी हमारी पानी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा वो पकेगी, उतना ही अच्छा उसका टेस्ट भी आएगा। तो वैसे भी थोड़ा बनने के बाद भी हमारी पतली होनी चाहिए क्योंकि हम बीच में पकौड़े डालने वाले हैं, फिर ज़्यादा ही वो गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए हम पहले तो पानी इसलिए ज़्यादा डाला भी वो ज़्यादा पक सके, तो उसके बाद पकौड़े भी डालने तो थोड़ी पतली भी रहे, इसलिए मैं डेढ़ लीटर पानी डाल दिया मैंने बीच में। अब मैं पानी को थोड़ा गर्म होने देती हूँ। उसके बाद में हम इसके बीच जो मटेरियल मैंने बेसन का तैयार कर रखा है वो डालूँगी बाद में, लेकिन इसको पहले अच्छी तरह गर्म होने देंगे। तो अब पानी मेरा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके बीच जो बेसन का वो मटेरियल बनाया हुआ है वो डाल देती हूँ। अब जब तक हमारी कढ़ी को एक उबाल नहीं आ जाता तब तक हम गैस को हाई रखेंगे। तो इसे हिलाते रहेंगे, हिलाते हुए ऐसे हम इसके उबाल आने तक इसको पकाएंगे। तो गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे हम। तो अब हम बनाते हैं पकौड़े। पकौड़े के लिए मैंने एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया, एक आलू को भी मैंने चॉप कर लिया, अदरक का छोटा सा पीस काट लिया बारीक बारीक, तो दो मैंने हरी मिर्च काट ली, तो थोड़ा सा मैंने जो हरा धनिया लिया, तो एक कड़छी मैंने दही लिया हुआ बीच में डालने के लिए, तो जो डेढ़ कटोरी मैंने बेसन लिया। अब मैं सारा कुछ इसके बीच में डाल देती हूँ। और एक चम्मच मैं जहाँ पर अनारदाना डाल रही हूँ, एक चम्मच जीरा साबुत जीरा, एक चम्मच अजवाइन, तो एक चम्मच ही मैंने धनिया को पहले क्रश कर रखा था वो डाल दिया बीच में। तो अब एक चम्मच मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। तो दो चम्मच मैंने नमक डाल दिया बीच में, तो हाफ चम्मच मैं देगी मिर्च डाल देती हूँ। तो अब जो मैंने दही रखा था वो भी डाल देती हूँ। दही से क्या होता है कि हमारे दही डालने से हमारे पकौड़े जो होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो हम अब इस मटेरियल को मिक्स कर लेते हैं। हमें अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। पहले ऐसे ही मैं दही से ही करूँगी क्योंकि बाद में देखूँगी मुझे कितना पानी चाहिए, और पहले से ही पानी डाल लिया तो फिर वो मटेरियल जो ज़्यादा पतला हो जाएगा। पहले दही से मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम पानी लेंगे। तो जहाँ मेरी कढ़ी को उबाल आ चुका है, तो अब मैं इसके नीचे से गैस को स्लो कर देती हूँ। तो अब हमें इसे लगभग आधा घंटा इसे ऐसे स्लो गैस पर पकाना है, क्योंकि जितनी हमारी कढ़ी पकेगी उतनी ही टेस्ट बनेगी। तो हमें लगभग आधे घंटे के लिए इसे ऐसे स्लो गैस पर पकाएंगे। तो अब मैं इसके बीच में पानी डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा डालते हुए ऐसे मिक्स करती रहूँगी। तो
अब मेरा ये मटेरियल अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। तो अब मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तब मैं पकौड़े बनाती हूँ, डालती हूँ इसके बीच में। तो हमें जो पकौड़े बनाने हैं वो स्लो गैस पर ही बनाने हैं, क्योंकि अंदर तक अच्छी तरह पक सके, इसलिए हम स्लो गैस ही रखेंगे। तो आप पकौड़ों को पलटते हैं ऐसे। तो ऐसे ही स्लो गैस पर जब आपके पकौड़े ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम ऐसे इनको निकाल लेंगे बाहर। तो अब मेरे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो मैं इनको बाहर निकालती हूँ। तो अब बाकी का जो मटेरियल है उसको भी मैं बना लेती हूँ पकौड़े। वैसे मैं इनको भी गोल्डन ब्राउन होने के बाद बाहर निकाल लेती हूँ। तो अब मेरी कढ़ी को बनते बनते तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं कढ़ी बन चुकी है। देखिए ऊपर कितना बढ़िया कलर आया। अब मैं इसके बीच में पकौड़ी डालती हूँ। अब मैं ऊपर से डालती हूँ हरा धनिया। तो एक चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया। अब मैं नीचे से गैस कर देती हूँ बंद और अब इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तो जहाँ पर मैंने फ्राई पैन में दो चम्मच ऑयल डाली है तो अब मैं इसके बीच सूखी मिर्चें डालती हूँ चार पांच। तो अब मैंने तीन चार ही तेज पत्ते डाल दिए बीच में। तो अब इसके बीच में हाफ चम्मच के करीब हींग डाल देती हूँ। जो मटीरियल मैंने जो तड़का तैयार किया है अब मैं इसको ऐसे अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब मेरी कढ़ी बन चुकी है, मैं इसको सर्व करती हूँ। मेरी कढ़ी बनकर तैयार है, मैंने इसे सर्व करने के लिए सर्विस बोल में निकाल लिया है। तो आप भी ऐसे कढ़ी बनाइए, ट्राई कीजिए। तो मुझे भी कमेंट कीजिए कि आपकी कढ़ी कैसी बनी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए दूसरों के साथ, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।
ओके, थैंक यू वेरी मच।